हमारे स्कूल में ना एक फॉर्म भी है, तो सारे नंबर पैसा भरने को बोला है। अच्छा क्या है बेटा? इस देश के अनाथ और गरीब बच्चे होते हैं ना, को मदद करने, मतलब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और साइन करना है, और जितना आपको डोनेशन लगता है उतना दे सकते हैं, मतलब जितना दे सकती हो। ये क्या आंटी, सिर्फ 10 रुपए? हमारे देश के अनाथ बच्चों के लिए सिर्फ 10 रुपए? कम से कम 50 तो दे दो ना आंटी। मुझे 10 रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किधर अभी आप भी सोचो कि बाजू वाली आंटी के पास जाऊंगा, वो तो देखेंगी ना आपने कितना दिया है, आपके नाम के आगे 10 रुपए लिखा होगा, को अच्छा लगेगा उनके, आपका क्या रेप्यूटेशन होगा आपके लिए बिल्डिंग में, जरा आप भी सोचो। अच्छा ये, अरे ये तो मेरी बंटी को मिली है। अरे बंटी आप बाथरूम गए शायद से। अच्छा ये ना, हाँ उसके स्कूल में दिया है, कल से वो कर रहा है, मैं उधर, हम लोग उधर ही देंगे। ठीक है लेकिन आंटी नहीं, अभी उधर ही। अरे ऋषि बोल। आपके साइड भी मारेगा क्या? भाग सा वक्त ये सख्त है, थोड़ा मांगा सा। यार ऋषि आज तो स्कूल में हीरो ही बन गया था। सही है यार, इतना कलेक्शन किया कैसे तूने? पूरे 2,080 रुपीज। और वो प्रिंसिपल मैम तो पहली बार खुश हुई रहेगी तेरे से। सही है यार, इतनी मेहनत जो ली रहेगी इसने। बच्चों के बारे में सोचो, जिन्हें स्कूल जाना भी नसीब नहीं होता, और आज हमारे पेरेंट्स हमें सब कुछ ला कर देते, ये 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता होगा, उनके लिए थोड़ी मेहनत कर ली तो क्या हाल है। अंकल किलो का ले लो। यार ऋषि तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहे? नया शूज, नया वॉच। अरे आज तो तूने कैंटीन का पूरा बिल भी पे कर दिया। गाइस स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब बिजनेस? नया बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने। तूने नया बिजनेस स्टार्ट किया? वैसे इन्वेस्टमेंट कितना किया? स्टार्ट 1 रुपए से किया था, अब 5 रुपए कर दो। चलो गाइस बाय, सी यू। वो एक क्लाइंट से मिलने जाना है मुझे। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। Yeah.